आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के चलते भारत से गेहूं और मक्के का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। हालांकि इस लड़ाई का सीधा असर कमोडिटीज की ग्लोबल सप्लाई पर पड़ा है। क्रिसिल रिसर्च ने कमोडिटीज की सप्लाई पर रिपोर्ट जारी की है। इसमें कई कमोडिटीज की सप्लाई पर पड़ने वाले असर के बारे में बताया गया है। क्रिसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया के एग्री ट्रेड पर यूक्रेन क्राइसिस का मिला जुला असर पड़ेगा। हालांकि भारत के लिए गेहूं और मक्के का निर्यात बढ़ने के लिए एक यह बड़ा मौका है, लेकिन खाद्य तेलों के इंपोर्ट पर होने वाला खर्च बढ़ जाएगा। इसकी वजह यह है कि इस क्राइसिस के चलते एडिबल ऑयल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस और यूक्रेन गेहूँ, सनफ्लावर ऑयल और मक्के के बड़े सप्लायर्स हैं। इंडिया गेहूँ का बड़ा एक्सपोर्टर है, जबकि सनफ्लावर सहित एडिबल ऑयल का बड़ा इम्पोर्टर। इसलिए इस क्राइसिस से भारत के लिए गेहूं और मक्के का निर्यात बढ़ाने का मौका है, लेकिन उसका एडिबल ऑयल का इंपोर्ट बिल काफी बढ़ जाएगा। इससे पहले कहा गया था कि यूक्रेन क्राइसिस के चलते फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट पर असर पड़ेगा। इससे खरीफ की बुआई के दौरान किसानों को फर्टिलाइजर्स के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। अभी से पोटाश सहित कुछ फर्टिलाइजर्स की कीमतें बढ़ गई हैं। भारत रूस और यूक्रेन से फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट करता है। उधर क्रूड ऑयल की कीमतें भी यूक्रेन क्राइसिस शुरू होने के बाद काफी बढ़ गई हैं। एक समय तक क्रूड का भाव $139 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, अब यह घटकर $100 प्रति बैरल से नीचे आ गया है। भारत अपनी जरूरत का 85% ऑयल का इंपोर्ट करता है, ऐसे में इसका पेट्रोलियम इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाने का अनुमान है। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।